अमेरिका के आसमान में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ दिखने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब अमेरिका कनाडा बॉर्डर के पास एक यूएफओ देखा गया जिसे अमेरिकी सेना के फाइटर जेट ने मार गिराया। जासूसी बलून के मुद्दे पर इन दोनों अमेरिका और चीन में तनाव का नया दौर शुरू हो चुका है। इस टेंशन के बीच ही अमेरिका ने साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास के नाम पर युद्ध का माहौल तैयार किया है। चीन को जिन इलाकों में अमेरिका के किसी भी युद्धपोत की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती वहीं अमेरिका का पूरा स्ट्राइक ग्रुप पहुंचा है और जंग लड़ने का अभ्यास शुरू किया है। दक्षिण चीन सागर फिर बारूदी धमाकों से गूंज रहा है। अमेरिका का यूएसएस निमित्स एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास के लिए पहुंचा है। इसके साथ ही अमेरिका की 13वीं मरीन कोर के जवान भी युद्धाभ्यास में शामिल हैं। युद्धाभ्यास का ऐलान पहले नहीं किया गया था, इसलिए माना जा रहा है कि ये वॉर प्रैक्टिस जासूसी गुब्बारा कांड के बाद चीन को चेतावनी देने के लिए शुरू की गई है। यूएसएस निमित्स सीएसजी यानी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ कई युद्धपोत सबमरीन रहती है। इसके अलावा स्ट्राइक फाइटर की पूरी स्क्वाड्रन तैनात रहती है। हॉकआई एयर डिफेंस सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्स दुनिया के सबसे विशालकाय युद्धपोतों में से एक है। यूएसएस निमित्स एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी रफ्तार 30 नॉट यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की। यूएसएस निमित्स युद्धपोत परमाणु क्षमता से लैस है। ये अपने साथ 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेकर चलता है। इसके अलावा 6000 से ज्यादा नेवी के कमांडो मौजूद रहते हैं। यूएसएस निमित्स का दक्षिण चीन सागर में होने का मतलब एक बार फिर चीन को चेतावनी है कि वो साउथ चाइना सी में हद पार ना करें। अमेरिका का युद्धाभ्यास कब से कब तक चलेगा इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है और विवादित जलमार्ग में दूसरे देशों की सैन्य गतिविधि पर कड़ी आपत्ति जताता है। अमेरिका के युद्धाभ्यास का चीन ने अब तक जवाब नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि गुब्बारा कांड के बाद बने तनाव में ये युद्धाभ्यास आग में घी का काम करने वाला है। इस बीच चीन और फिलीपींस में तनाव बढ़ाने वाली नई घटनाएं हुई। चीन ने सैनिक ग्रेड लेजर का इस्तेमाल कर फिलीपींस के जहाज को रोकने की कोशिश की। अमेरिका फिलीपींस में अपनी आर्मी की तैनाती करने वाला है, इसलिए ये घटना भी चीन और अमेरिका के तनाव को बढ़ाने वाली है। दूसरी तरफ जिनपिंग ने ईरान के राष्ट्रपति को बीजिंग आने का न्योता दिया। अमेरिका विरोधी दोनों नेताओं की मीटिंग पर भी सुपर पावर की नजर है। अमेरिका का मानना है कि चीन लगातार अमेरिका के दुश्मनों से दोस्ती बढ़ाकर एक नया ग्रुप बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारत।